नमस्कार भोपाल, मैं हूँ आसिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज़ बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की खास खबरों पर। सरदार सरोवर की गूंज, बहा ले गई विधानसभा का मानसून सत्र, जमकर हुआ हंगामा। हंगामे की भेंट चढ़ी जिला पंचायत भोपाल की बैठक, विपक्ष ने किया बहिष्कार। विरोध का अनोखा तरीका, दलदल बनी सड़क पर लोगों ने रोक दी धान। अंडर ब्रिज से परेशान लोगों ने रोकी ट्रेन, जमकर किया हंगामा। सीहोर जिले में ट्रक से भिड़ी यात्रियों से भरी बस, 7 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा में मानसून सत्र की। विधानसभा में सरदार सरोवर बांध का मामला ऐसा उछला कि फिर कोई बात नहीं हो पाई। विस्थापन, किसान आंदोलन, बांध जैसे मुद्दों को आज सदन में कांग्रेस ने जमकर उठाया। हंगामे से शुरू हुई सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ ही स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सरदार सरोवर बांध बनाने के कारण विस्थापन पर सरकार से जवाब मांग रही थी। इसी बात को मुद्दा बनाकर कांग्रेसियों ने सुबह सदन में प्रश्नकाल शुरू होने के पहले ही हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन 2 बार 10-10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ी। इसके बाद कांग्रेस विधायक गर्भगृह में चले गए और यहां से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें दोबारा सदन में लाने के लिए 12 बजे तक का समय दिया गया। 12:15 बजे विधायक सभागृह के बाहर निकले और फिर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस विधायक सीएम से बात करने के लिए पैदल मार्च कर सीएम हाउस की ओर निकल पड़े। विधायकों के बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल भेजे गए विधायकों से मिलने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव सहित सभी नेता पहुंचे। यहां कांग्रेस विधायकों ने जमानत कराने से इनकार कर दिया। शाम 6 बजे तक विधायकों की जमानत नहीं हो पाई थी। इधर बुधवार को जिला पंचायत की साधारण सभा भी हंगामेदार रही। बैठक की शुरुआत में विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए। दरअसल यहां हंगामे की वजह सीओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने से पैदा हुआ था। विपक्ष सीओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। बताते चले, पिछले बैठक में भी सीओ और विपक्ष के बीच विवाद हुआ था, वही मामला फिर इस बैठक में उठाया गया। इस मुद्दे के बैठक में आते ही हंगामा शुरू हो गया। सदस्यों ने एकजुट होकर सीओ को बातों के और तर्कों से घेरा। जब हंगामा खत्म नहीं हुआ तो विपक्ष ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। यदि इस बात को नहीं माना जा रहा है सदस्य की बात को, अरे भाई पार्टी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कृपया आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, जो आपकी बात है सीहोर में बदहाल हो चुकी सड़कों को लेकर स्थानीय निवासियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। शहरवासियों ने कीचड़ और दलदल बन चुकी सड़क पर धान के पौधे रोककर अपना विरोध दर्ज कराया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अनोखे तरीके से इसका विरोध दर्ज कराया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क के कीचड़ में धान के पौधे रोक दिए। पार्टी के ग्रामीण प्रभारी माखन सिंह सोलंकी ने बताया, सीवेज लाइन के कारण शहर की सड़कें खराब हुई हैं और उन्हें अब तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। आज भी जो है यहाँ सीहोर में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे रोड पूरे उखड़े हुए हैं,
रोड की कोई सुनने वाला नहीं है और इसलिए हम गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, कीचड़ कीचड़ हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहा है। इसलिए हम जो है सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम इस विरोध में धान रोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? जनता हमारे साथ है, बढ़िया, जनता का बहुत अच्छा समर्थन है। गुना में लोगों ने एक ट्रेन रोक दी। दरअसल यहाँ अंडर ब्रिज में बार बार पानी भर आने से लोग परेशान थे। बुधवार को नाराज भीड़ ने ट्रेन के सामने धावा बोल दिया। भारी भीड़ आते देख ट्रेन ड्राइवर भी सकते में आ गए। अचानक ट्रेन के ब्रेक लगाने पड़े। दरअसल गुना के अंडर ब्रिज में हल्की बारिश के बाद पानी भर जाता है। यहाँ से गाड़ियाँ निकलना तो दूर, लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार यहाँ गंभीर हादसे हो चुके हैं। बांसकेड़ी फाटक पर ट्रेन रोककर हंगामे के बाद अधिकारियों की समझाइश से आंदोलन समाप्त हुआ। भोपाल से कोटा जा रही एक बस सीहोर जिले के पीर बटाऊ के पास ट्रक से भिड़ गई। घायलों को 108 एम्बुलेंस से श्यामपुर अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद मिनी बस चालक बस छोड़कर यहां से फरार हो गया। हादसे से बस में सवार भगवती सिंह, गीता मांगेलाल, कृष्ण पचोर, नारायण सिंह, नोनी खेड़ी, प्रदीप सेमली, अजहर खान, अमन शर्मा घायल हुए हैं। बस में सवार भोपाल निवासी महेश बरबेटे ने बताया, बस की रफ्तार काफी तेज होने से यह हादसा हुआ है। अशोकनगर जिला अस्पताल में प्रसूति वार्ड में महिलाओं को रखने के लिए जगह तक नहीं बच पाई है। बुधवार सुबह वार्ड में 32 पलंगों पर 50 महिलाएं भर्ती थी। इतना ही नहीं, एक दर्जन से अधिक महिलाएं भर्ती होने के इंतजार में गैलरी में बैठी रहीं। बुधवार ग्राम भटोली निवासी एक महिला ने तो 108 में ही बच्चों को जन्म दिया। थान सिंह ने बताया, वह हलवाई का काम करता है। मंगलवार शाम 7:30 बजे उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई। खेत मालिक ने जन्नी एक्सप्रेस को फ़ोन लगाया। कॉल सेंटर से बताया गया कि जन्नी वहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद संजीवनी 108 पर फोन लगाने पर बताया गया एम्बुलेंस बाहर गई है। रात 2 बजे तक परिजन एम्बुलेंस के लिए प्रयास करते रहे। बुधवार सुबह 7 बजे एम्बुलेंस पहुंची और गर्भवती को जिला अस्पताल लाने से पहले ही एम्बुलेंस में प्रसव हो गया। जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड में महिलाओं के भर्ती होने के लिए जगह नहीं बची है। कई महिलाओं को पलंग न मिलने के कारण जमीन पर ही भर्ती कराया जा रहा है। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।